हाउ यू विल गेट इंस्टेंट जॉब इन बैंगलोर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आज हम जानेंगे इंस्टेंट जॉब बैंगलोर में आपको कैसे मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो मेरी थ्रू आपको जॉब मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या करनी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड है जो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपको अच्छा खासा जॉब बैंगलोर में मिल जाएगी इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, इंस्टेंट मिल जाएगा। आपको क्या करनी है क्या नहीं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम और ये वीडियो के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। समझ लो, इतना समझ लो कि आपको आराम से नो अच्छा खासा सैलरी के ऊपर जॉब मिल जाएगी। तीन चार वैकेंसी मिलता है, चीज़ें है, कैटेगरी है जिसमें आप जॉब करना चाहते हो। ये उन लोगों के लिए जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको अगर जॉब चाहिए तो उनको मिल जाएगी। ये हाई रेंज वाली जॉब नहीं है, थोड़ा लो क्वालिटी की है, लो रेंज वाली सैलरी वाली, पर अच्छी खासी जॉब है, पर ये लोगों को मिल नहीं रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है बताता हूँ मैं। पहले कौन सी जॉब आपको मिलेगी, क्या क्या जॉब है अवेलेबल। तो पहले तो आपके पास आपके मिल जाएगा ड्राइविंग की जॉब, प्राइवेट ड्राइविंग, वेल पार्किंग, ये दोनों चीज़ें मैं आपको लगा सकता हूँ मैं अच्छे खासी सैलरी के साथ। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो ये दो चीज़ आपके पास मिल चुके। तीसरी हाउसकीपिंग भी जॉब आपको मिल सकता है। चौथी आपको है ना मैनेजमेंट थिंग्स, मैनेजमेंट चीज़ें मैनेजमेंट करनी है, ये भी जॉब आपको मिल जाएगी अच्छी खासी सैलरी के साथ। चौथी आपको मिल जाएगी होटल में, रेस्टोरेंट में, होटल में ना काइंड ऑफ समझ सकते हो कि चीज़ें है ना वही काइंड ऑफ चीज़ें हेल्पर काइंड ऑफ। पांचवी जो चीज़ें है ऑफिस बॉय की जॉब, वो भी आपको मिल जाएगी अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो उसके लिए आपको करनी क्या क्या नहीं है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए कंपलसरी, पैन कार्ड कंपलसरी, बैंक डिटेल्स कंपलसरी होना ही चाहिए, वरना आपकी सैलरी आजकल कैश में नहीं मिलती है, पूरा अकाउंट के थ्रू से मिलता है। तो आपके पास बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, पर बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। चौथी आपके पास होना चाहिए, अगर ड्राइविंग वगैरह आप करना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए अगर ड्राइविंग करना चाहते हो। तो एक तो ड्राइविंग हो गया, और आपके पास आपके एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th pass, 8th pass, 12th pass, MA, डिग्री, जैसे जो भी आप करके हो, जो अब अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो अच्छे खासी सैलरी के साथ जॉब मिल जाएगी, और अगर आपको इंग्लिश आती हो तो और अच्छी बात हो। सो ये सारी चीज़ें आप रिक्वायर्ड है जॉब, इंस्टेंट जॉब के लिए, अच्छी खासी जॉब के लिए सैलरी के साथ। आपको सिंपल सी करनी है, आप कुछ नहीं करनी है, आपको सिंपल सी मेरे इंस्टाग्राम में जाना है, मुझे डीएम करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है पूरा डिटेल्स आप डाल दो, नंबर डाल दो, मेल आईडी डाल दो, आपके नाम डाल दो, एज डाल दो, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, वट चीज़ें जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप मैंशन कर दो। करने के बाद हम कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे और बताएंगे ये वैकेंसी अभी ओपन खाली है, जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो सिंपल सी आपको करनी क्या है, डीएम करना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको इंस्टेंट हम कॉल करेंगे या कुछ टाइम में कभी बात कॉल करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, फिर आपको डिस्कस करेंगे चीज़ें और जो भी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियो हम अर्निंग रिलेटेड लाते रहते हैं।